30 दिसंबर 2014 बॉक्सिंग डे। टेस्ट मैच का पांचवा दिन, इंडियन टीम किसी तरह से वह मैच खूंखार ऑस्ट्रेलिया टीम से ड्रॉ कराने में सफल हो गई। सभी खिलाड़ी, यहां तक कि सभी भारतीयों के चेहरे पर एक खुशी की हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन यह मुस्कान ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि उसी दिन MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया। उसी मैच के धुरंधर और अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन यानी कि विराट कोहली को इंडियन टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया। अपने पहले टेस्ट मैच में टेस्ट शतक लगाने से लेकर इंडियन टीम को टेस्ट ODI यहां तक कि T20 फॉर्मेट में नंबर 1 तक पहुंचाने वाले कैप्टन विराट कोहली को ठीक T20 वर्ल्ड कप के बाद आखिर क्यों कप्तान के पद से हटना पड़ेगा? क्या BCCI ने उन पर दबाव डाला था T20 की कप्तानी से हटने के लिए, या कोई साजिश है रोहित शर्मा और पूरी इंडियन टीम की? परेशान मत होइए, आज हम आपके सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी और हिंदुस्तान में। दिनांक 9 नवंबर 2020, मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को IPL फाइनल में मात देकर IPL में पांचवी बार चैंपियन बन जाती है। वहीं से शुरू हुई विराट को इंडियन T20 कैप्टन के पद से हटाने की बात, क्योंकि जिस IPL की लीग में आज तक विराट 13 साल में एक भी बार अपने टीम को चैंपियन ना बना सके, उसी लीग में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को पांचवी बार IPL चैंपियन बना दिया। लोगों का कहना था कि हम रोहित जैसे अच्छे कैप्टन को यूं ही जाया कर रहे हैं, क्योंकि विराट की कैप्टनसी के अंदर भारतीय टीम आज तक एक भी ICC फाइनल मैच नहीं जीत सकी। चाहे बात करें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में, जिसमें हमें पाकिस्तान के हाथों एक भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, या बात करें ODI वर्ल्ड कप की, जिसमें हमें न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मात मिली थी, या फिर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जिसमें उस मैच में विराट कोहली की इंडियन टीम को न्यूजीलैंड के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में लोगों का विराट की कैप्टनसी पर सवाल उठाना काफ़ी वाजिब था। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की माने तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में हाल के दिनों में काफ़ी मनमुटाव भी रहे कप्तानी को लेकर। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और BCCI के अन्य सदस्यों का मत था कि अगर इस साल विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को वर्ल्ड कप ना जिता सके तो उन्हें T20 कैप्टन के पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में MS धोनी को इंडियन टीम का मेंटर बनाने पर लोगों का एक बड़ा हिस्सा यह बोलने लग गया था कि अगर इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो सारा क्रेडिट धोनी ले जाएंगे, और खुदा न खास्ता इंडिया टीम अगर T20 वर्ल्ड कप हार जाएगी तो फिर भी लोग बोलने लग जाएंगे कि इंडियन टीम एक बार फिर विराट कोहली के कैप्टनसी के अंदर हार गई। अब जैसे विराट कोहली ने खुद कैप्टनसी के पद से हटने का ऐलान कर दिया, तो सोशल मीडिया पर विराटियन यानी कि कोहली के फैन और रोहितियन यानी कि रोहित शर्मा के फैन में तमाम प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है। हम आप लोगों को यह बता दें कि यह फैसला विराट कोहली का खुद का है, क्योंकि वह अपने बैटिंग और टेस्ट एंड ODI फॉर्मेट में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हम सभी इंडियन फैंस को ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें विराट और रोहित शर्मा जैसे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट कैप्टन से नवाजा है, जो कि हमारे देश के लिए एक ही टीम में एक साथ खेलते हैं। MS धोनी मूवी में सुशांत सिंह राजपूत का एक डायलॉग याद आ रहा है, वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर डूइंग नेशनल ड्यूटी, यानी कि हम सब भारतीय हैं और हम अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इंडियन टीम न MS धोनी की थी, न विराट कोहली की और ना ही रोहित शर्मा की होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी अच्छे विचार के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, कृपया अफवाहों और फेक न्यूज से बचे रहिए। हम आप सबके लिए इससे संबंधित सभी पुख्ता जानकारी और वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन था सतीश कुमार का। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।